Friends, in this video lecture, we will discuss about very important topic, that is the displacement time graph. देखिए, motion in one dimension में इसके पहले भी दो video lecture बना था. एक में हम लोगों ने कुछ basic term discuss किया था, जैसे कि motion and rest क्या है, and why we are saying that motion and rest are the relative terms, and difference between scalar and vector quantity, difference between distance and displacement. और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे जब कोई बॉडी इनफॉर्मली इनफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है या इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट ए सर्टेन एंगल, और अगर ये कर्व है तो उस केस में जो बॉडी होगी उसका नेचर ऑफ मोशन क्या होगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्रेडियंट और स्लोप का क्या मतलब है, और क्या ये ग्रेडियंट और स्लोप किसी पॉइंट से रिलेटेड है या स्ट्रेट लाइन से है. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप और ग्रेडियंट के बारे में. ये देखिए स्लोप और ग्रेडियंट. तो मान लीजिए कि इफ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन एंड सपोज दिस लाइन मेकिंग ए सर्टेन एंगल विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये देखिए आपका एक लाइन है वे विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन किसकी, एक्स एक्सिस की. तो देखिए सबसे पहली बात हमको ये ध्यान देना है कि स्लोप या ग्रेडियंट किसी लाइन का होगा, किसी पॉइंट का नहीं होगा. ठीक है, एंगल कितना है, थीटा है. अगर आप इस एंगल का टैन ले लेते हैं, टैन थीटा, तो ये जो वैल्यू होगी टैन थीटा की, यह वैल्यू स्लोप कहलाएगी, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. हम लोगों ने क्या लिया है, ओ ए. स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहिए या स्लोप कहिए, एक ही मतलब है. अब इस टाइम थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका इस लाइन का स्लोप हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक लाइन है आपका OA या OP है मान लीजिए, और ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री है. तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, मान लीजिए OP का अगर हमको स्लोप लिखना है, स्लोप ऑफ OP, तो आप क्या करिएगा, 60 डिग्री का टैन ले लेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से टैन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, डेफिनेटली आप बोलेंगे कि √3 होगा. तो ये जो √3 जो आया, दिस इज द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ओपी. ठीक है, आप ऐसे ही वैल्यू छोड़ सकते हैं, या तो फिर √3 की वैल्यू लिख सकते हैं, 1.732. ठीक है, इसी टाइप से मान लीजिए कि एक और कोई लाइन है, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, एक लाइन ऐसे है, और ये मान लीजिए 45 है, 45 डिग्री है, और ये मान लीजिए ओक्यू है. तो ओक्यू लाइन का स्लोप, अच्छा एक बात और, स्लोप के लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये स्मॉल एम करते हैं जनरली. तो इस लाइन ओ क्यू का जो स्लोप होगा कितना होगा, टेन फोर्टी फाइव डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. अब देखिए स्लोप निकालने का दो तरीका है. अगर आपको एंगल पता है कि गिवन लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ कितनी एंगल बना रही है, तो उस एंगल का आप टेन ले लीजिएगा. लेकिन हमेशा ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है. अगर मान लीजिए एंगल नहीं दिया है तो फिर हम लोग दो पॉइंट का
कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग स्लोप लिखते हैं। कैसे लिखते हैं चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब ये हुआ कि स्लोप निकालने के लिए दो तरीका है। एक है हम लोग ये पता करते हैं कि गिवन लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है और उस एंगल का हम लोग टाइम की वैल्यू लेते हैं। दूसरा जो तरीका है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए क्या है। और उसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि हम लोग को स्लोप निकालना होगा, तो जब तक आप स्लोप समझेंगे नहीं तो फिर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। दो पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और ये पॉइंट क्यू विच हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिख लिए, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं X एक्सिस पे और Q से भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं X पे परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए कि L है और ये M है, तो ध्यान से देखिएगा O L O आपका क्या है ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट कर लीजिए है ना, या रेफरेंस पॉइंट कर लीजिए। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 मतलब O L x1, ठीक है, LP आपका y1 है। उसी टाइप से OM O से लेके M तक, ये देख रहे हैं L क्या है, L इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर PL, M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर QM, ये परपेंडिकुलर OM इज X2 MQ और ये Y2 है। ये देखिए कोऑर्डिनेट का इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब क्या करना है, P से QM पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये हमने ड्रॉ कर दिया और इस टाइप से करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और ये देखिए बन गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये मान लीजिए कि N है, यहां पे ये 90 है, ठीक है। अब देखिए PN क्या है, सिंस PN पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी हम लोग स्लोप के बारे में क्या पढ़े थे, M इज इक्वल टू टैन थीटा पढ़े थे, जहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द गिवन लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बात को थोड़ा समझिएगा, यहां पे हम लोग पी क्यू का स्लोप निकाल रहे हैं, हम लोग स्लोप किसका निकाल रहे हैं, पी क्यू का। तो हम लोग ये पता करेंगे कि जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वह एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो देखिए एंगल बिटवीन पी क्यू एंड द एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स ओ ए एंड एंगल बिटवीन पी क्यू एंड ओ एक्स विल बी द सेम एज एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी एन। वाई? बिकॉज पी एन इज पैरेलल टू ओ एक्स, ठीक है। मान लीजिए कि एंगल बिटवीन पी क्यू एंड एक्स एक्सिस थीटा था, देन डेफिनेटली एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी एन विल बी ऑल्सो थीटा, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से टेन की वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, साइन कॉस टेन की वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग टेक्निक लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूं और इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से देखिएगा। P for perpendicular, H for hypotenuse, B for base, H for hypotenuse, P for perpendicular,
बी फॉर बेस एंड एस फॉर साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, टी फॉर टेन थीटा। यह हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा पी अपॉन बी। अब देखिए थीटा, थीटा इज द रेफरेंस एंगल हियर, तो द साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इट मीन्स this given will be perpendicular and PQ will be hypotenuse and this PN will be the base. It means here for m is equal to 10 theta, definitely we will write QN divided by PN. अब ये देखिए QN कैसे निकालिएगा, उसको अच्छे से इधर समझ लीजिए। QN means MQ माइनस MN, MN विल बी द सेम एज LP, इट मीन्स MQ माइनस LP, और ये देखिए MQ Y2 LP Y1, इट मीन्स वी विल गेट हियर Y2 माइनस Y1, QN की वैल्यू कितनी हो गई, Y2 माइनस Y1 हो गई, ठीक है। सिमिलरली देखिए PN निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखिएगा, PN विल बी द सेम एज LN, व्हाई, बिकॉज ये देखिए 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, मतलब PLMN क्या है, आप पैलोग्राम कर लीजिए, एक्चुअली ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखिए तो PN की वैल्यू और LM बराबर होगा, PN और LM बराबर होगा, ये LM कैसे निकलेगा, तो OM माइनस OL, OM कितना है X2, OL आपका X1, OM X2, OL X1, इस तरीके से PN निकल गया, PN। तो यहां पे रख दीजिए इन प्लेस ऑफ QN, तो Y2 माइनस Y1 इन प्लेस ऑफ PN X2 माइनस X1। तो देखिए इतना करने की नहीं जरूरत है, बस आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, m इज इक्वल टू tan थीटा निकाल लीजिए, अगर थीटा दिया है तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और नहीं तो फिर उस लाइन पे कोई दो पॉइंट ले लीजिए, उनका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए और उसकी हेल्प से आप स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की हेल्प से। ये फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो या मैथ हो, जहां पर आपको स्लोप या ग्रेडियंट निकालनी है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो आप नोट कर लीजिए। तब तक चलिए नोट हो गया होगा, अब मैं इरेज कर रहा हूं और उसके बाद हम आते हैं जो हम लोग का जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए मेन टॉपिक हम लोग क्या है, इन दिस वीडियो लेक्चर मेनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंगल। देखिए व्हाट एवर विल बी द टाइप ऑफ ग्राफ, इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऑलवेज टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस और एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर कंसिडरिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, व्हाट एवर द केस में बी। तो चिल्ड्रेन एट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द displacement time graph case first, when it is parallel to time axis। Friends, be careful. We have to discuss about the nature of motion of the body
it's too much humidity when it is parallel to the time axis. This is y axis, positive direction of y axis, and this is x axis. On x axis always we are taking time. It means x axis is time axis here. Okay? And time generally we are taking in second, but according to the situation it may be in minute, it may be in hour, as the case may be. On y axis we have to take in displacement. Displacement and displacement we are considering in meter. Okay, in meter. When displacement time graph is a line parallel to time axis, this is the time axis, and we have given this graph AB. AB is the displacement time graph here. What is O here? O is origin. Origin, or we can say reference point. Reference point. Or we can say starting point. Starting point. Why we are saying starting point? Because time and displacement both are to be started from this point. Time along this direction, displacement along this direction. From the graph it is clear that this distance, this one, remains constant everywhere. The same. Okay? This distance remains same everywhere. This one. This one. It means that the object is stationary. When displacement time graph is a line parallel to time axis, then in such case, nature of motion. Nature of motion of moving object will be what? The object is at rest. The object is at rest, we can say, or we can say stationary. क्यों? क्योंकि देखिए time बढ़ रहा है लेकिन उसका position वही है. अगर मान लीजिए यहां पर मैं यहाँ 5 कर दूँ, 5 मीटर, यहाँ 10 कर दूँ, यहाँ मैं 15 कर दूँ, यहाँ मैं 20 कर दूँ. तो देखिए इधर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसका पोजीशन 10 ही मीटर है हमेशा. तो ओके चिल्ड्रन, अब देखिए हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करेंगे. इन सेकेंड केस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द nature of motion of the object when displacement time graph is a straight line inclined at certain angle. ठीक है? अच्छा यहाँ देखिए nature की spelling correct कर लीजिएगा. ठीक है? देख flow में कभी कभी हो जाता है. अब देखिए second case हम लोग को discuss करना है. तो case second. ये हमने व्हाइट बोर्ड को तैयार प्रिपेयर कर लिया है. केस सेकेंड हम लोग को डिस्कस करना है व्हेन इट इज अ स्ट्रेट. इट किसके लिए आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए. इट इज अ स्ट्रेट लाइन
inclined with inclined at certain angle, inclined at certain angle, दिख रहा है ना, inclined at certain angle with the positive direction of positive direction of x axis. ये देखिए, ये हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। ये है आपका, ये रहा ग्राफ, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका मीटर में और इस पे हमने एक्स पे रखा है टाइम सेकेंड में, टाइम सेकेंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आपका आवर में हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक ऐसी लाइन है जो कि इंक्लाइन है, बात को समझिएगा। तो देखिए, इस तरीके से भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ये हमने ए बी आपका यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इस तरीके से भी हो सकता है, बात को समझिएगा। मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और इधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है जो कि मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस टाइप से, ये देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। तो ये केस और ये केस में दोनों में फर्क क्या है, इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ ओ ए एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द थीटा एंगल। और ये थीटा क्या है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 0-90 के बीच में है। यहां पे जो थीटा है 0 और 90 के बीच का एंगल है। यहां पे थीटा देखिए ये है, ये ध्यान बिल्कुल देना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इधर देखिएगा, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस तरफ है, और ये आपका ये भी, और ये एंगल क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब इस केस में जो थीटा है आपका, थीटा 90 से लेस है और 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप टैन थीटा की बात करेंगे तो इस केस में टैन थीटा जो होगा वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यही आपका एम है। एम मतलब कि स्लोप, किसकी स्लोप, डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ ओए का स्लोप। ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप यहां पे टाइम थीटा जो होगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको स्लोप निकालना है तो एक तो एंगल पता होना चाहिए, और नहीं तो कोई दो पॉइंट लीजिए, कोई दो पॉइंट लेकर के यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए,
ये एंगल थीटा है तो भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है और ये एम है, तो आप टेन थीटा की वैल्यू से आप स्लोप निकाल सकते हैं। और नहीं तो ये देखिए पी एन ये वैल्यू और अपॉन की वैल्यू इस वैल्यू से, ठीक है। पी एन कैसे आएगा, आप पी से परपेंडिकुलर डाल लीजिए, क्यू से डाल लीजिए, फिर वैसे यहां से ऐसे इस तरीके से, मतलब कोऑर्डिनेट की मदद से, ठीक है। देखिए जब ग्राफ पे जब आप स्केच करते हैं, ग्राफ पेपर प्रॉपरली, तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा ग्राफ बनाते समय कि आपका ग्राफ बड़े शेप का बने। उसके लिए आप स्केल पे ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो हम लोग स्केलिंग करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर आप 1 सेकेंड भी ले सकते हैं, 2 सेकेंड भी ले सकते हैं। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर फॉर 1 सेंटीमीटर ऑन द वाई एक्सिस आप 2 भी ले सकते हैं, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर और 1 मंथ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, एज पर आवर कन्वीनियंस, जिसमें आपको जैसी सुविधा हो। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्राफ आपका बड़ा बनना चाहिए ताकि एट ए ग्लैंस आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ग्राफ के बारे में, और ऑब्जेक्ट का के मोशन का नेचर बता सकते हैं। उसी टाइप से आप यहां भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ग्राफ का मतलब क्या है, स्लोप आपको निकालने का तरीका बता दिया हूं और उसी तरीके से निकालेंगे। अगर एंगल पता है तो इसका टेन ले लीजिए, और नहीं तो 2 पॉइंट लेकर के फॉर्मूला लगा लीजिएगा y2 - y1 / x2 - x1 से। तो ये दोनों ग्राफ का नेचर क्या है, मतलब इस ग्राफ से हम बॉडी के ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या बताएंगे। तो देखिए इस केस में नेचर जो होगा, नेचर नेचर ऑफ मोशन, बात को समझिएगा। पहली बात की देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी चाहे यहां चाहे यहां, इट मींस दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। इसमें दो केस बनेगा, एक केस में द बॉडी विल मूविंग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरे केस में द बॉडी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों में है, यहां भी है यहां भी है। इस केस में, इन दिस केस द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, इन दिस केस द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन। इसकी तरफ देखिए, यहां देख रहे हैं ये पोजिशन यहां है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये टाइम है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। इस टाइम पे पोजीशन ये है, अच्छा बॉडी और इधर आ गई, ये देखिए पोजीशन और कम हो गया टाइम बढ़ने के साथ साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ और टाइम बढ़ गया, ये देखिए। मान लीजिए ये T1 टाइम था तो बॉडी यहां पे था, टाइम T2 हो गया तो बॉडी यहां पे है, मान लीजिए टाइम T3 हो गया तो बॉडी यहां पे है। तो क्या दिख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बॉडी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन। स्ट्रेट लाइन होने के चलते हम ये बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इस दोनों केस में हम ये डेफिनेटली कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नेचर ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, द बॉडी इज, बॉडी कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अप्रोचिंग एंड मूव्स अवे फ्रॉम द ऑरिजिन,
फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, जैसे टाइम बढ़ेगा, ये देख रहे हैं, थोड़ा मैं इसमें हटा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। जैसे ये है ना आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मान लीजिए कि ये टाइम यहां पे हमने टाइम लिया है टी वन, क्वेश्चंस में टी वन टी टू की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा। ये देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर टाइम और बढ़ा दीजिए, टाइम टी टू, डेफिनेटली टी टू बड़ा है टी वन से, तो देखिए पोजीशन ऑब्जेक्ट का और दूर होता जा रहा है। टाइम टी थ्री दे दीजिए, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, टी थ्री, ये देखिए पोजीशन बढ़ती जा रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ठीक है जी। और यहां पे नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन द बॉडी और वी कैन से ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मूविंग विथ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड अप्रोचिंग, अप्रोचिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और केस है, केस थर्ड, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, केस थर्ड। देखिए ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। अब आप समझ रहे होंगे कि पहले हम स्लोप क्यों बताए थे, जो आप न्यूमेरिकल करेंगे बुक में जो दिया हुआ होगा तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो। आप क्या करिएगा, ग्राफ जरूर स्केच करिएगा, और ग्राफ स्केच करते समय आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपके ग्राफ कैसे बड़ा बने, उसके लिए आपको स्केलिंग पे ध्यान देना होगा। ये स्केलिंग जो हम लोग करते हैं, एक एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हम लोग 1 सेंटीमीटर की वैल्यू लेते हैं उसका हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए केस थर्ड में क्या है, केस थर्ड, व्हेन इट इज अ कर्व, इट किसके लिए आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। ये देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस पे हमने टाइम लिया है, टाइम इन सेकेंड, और इस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में हम बात कर रहे हैं, उसी टाइप से आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो कर्व के केस में देखिए क्या करिएगा, इसमें क्या है ना, कर्व के केस में वेरिएबल वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, या ये कर लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इस केस में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। एंड टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको, इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक लाइन खींच रहे हैं ऐसे, वाई के पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, और एक यहां से ऐसे, ठीक है।
तो मान लीजिए ये टाइम आपका टी वन है और ये डिस्प्लेसमेंट आपका एस वन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट एस वन एंड टाइम टी वन हमको इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एक इस पॉइंट टेंजेंट खींचेंगे। ये देखिए टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट, और अपनी सुविधा अनुसार आप इस टेंजेंट पे कोई दो पॉइंट ले लीजिए। कोई दो पॉइंट हमने ले लिया, ध्यान से देखिएगा, और फिर वही तरीका हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। और यहां पे अब देखिए चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसके स्लोप से क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी मिलेगा। तो जो वेलोसिटी मिलेगी इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट से पता चलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका P है, ये Q है और ये N है और ये 90 है, ठीक। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, तरीका वही PN अपॉन QN। इस PN और QN दोनों का रेशियो जो भी आएगा वही आपका हो जाएगा स्लोप। अच्छा एक बात, PN किस में आएगा, मीटर में आएगा, QN किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो यहां जो भी आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो बच्चों ये तीन केस था जिसमें कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो बॉडी विल बी स्टेशनरी और एट रेस्ट, और अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस तो उसमें दो केस बनेगा। इन बोथ केसेस द बॉडी विल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन वन केस द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इन अदर केस द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अप्रोचेज टुवर्ड्स द ओरिजिन, और थर्ड केस में जब कर्व होगा तो बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। तो बच्चों हमको उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में साइन, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।